व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल फ्रेंड जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, अभी निकलना है मुंबई। अभी मैं हूँ वडोदरा, वडोदरा से मेरी बस है जो कि 6 बजे शाम को पैकिंग वैकिंग सब डन हो चुकी है, इसको यहाँ रखते हैं। वडोदरा से पुणे के आगे जाना है, महाराष्ट्र आगे। वडोदरा से पुणे जाने में 12 घंटे लगेंगे जो कि 6 बजे सुबह बस पहुंचा देगी। पुणे जंक्शन से सोलापुर वहां से बाय ट्रेन है, तो सफर की शुरुआत करते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। बोले जय माता दी, जय श्री राम। फिलहाल अपनी बैग इधर आ गई है, अब चलते हैं ऑफिस। ऑफिस से कैब बुक करेंगे, इससे पहले कुछ गड़बड़ डिसबैलेंस हो गई है। बाय बाय। समय जाम्बुआ ब्रिज, जाम्बुआ ब्रिज के नीचे यहाँ से बस मिलेगी और मुझे लग रहा है इधर जाएगी ना। तो आज मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं रवि प्रताप सिंह और आकाश भाई पटेल, गुजराती है यूपी वाले, बट दोनों हैं हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। बट स्लीपर है, बस का कंडीशन क्या है, क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ में बस आने पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। तो बस फिलहाल अभी कुछ काम नहीं है वेट करने के सिवा। अपने पास इतना कुछ लगेज है, दो लोगों के बीच में इतना लगेज है, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था तो बस है। ठीक है, कभी काफी दिन बाद मैं बस से अगेन ट्रेवल करने वाला हूँ। गोरखपुर टू दिल्ली जा रहा था तब, और उसमें एक घटना हो गई थी, तब से मैं बस में जल्दी ट्रेवल नहीं करता हूँ। वो घटना में बस में बैठ के आपको बताऊंगा, लेकिन बार बार वो जब भी बस का नाम आता है ना तो याद आ जाती है। क्या हुआ, बस भी अपनी आ चुकी है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो टाइम अभी हो रहे हैं 6:40 और 6 बजे बस का टाइमिंग था, कोई अता पता नहीं है। इस ब्रिज के नीचे वेट कर रहे हैं, लगेज लेके कुरकुरे खा लिया, नमकीन खा लिए, चाय पी लिए, बट अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पहले ही मतलब जो भी हो, फर्स्ट इम्प्रेशन तो लास्ट इम्प्रेशन, पहला ही प्लान चौपट हो गया। अब आगे का क्या होगा, और तो और उसके बाद अपनी एक कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, कनेक्टिंग ट्रेन है। बस से उतरने के बाद पुणे जंक्शन से ट्रेन है, सारी डिटेल्स बताऊँगा, पहले तो अपनी सीट तो मिल जाए। फाइनली इतने टेंशन करने के बाद बस आ गई, नहीं तो चलो भैया फाइनली। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ अपना कंपार्टमेंट है, 1-2 स्लीपर है और छोटी सी चेयर है, यहाँ एसी का वेंट है। और एक्चुअली लाइट जलाना सोचा ना, बट लाइट जल नहीं रही थी तो मोबाइल स्लाइड से ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। और ठीक है, तकिया इधर दिया आकाश, तकिया इधर है, आराम से सो सकते हैं। बट चद्दर नहीं देगा तो चद्दर अपना भाई अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ला सकते हैं। और चार्जिंग पॉइंट चेक करेंगे, चार्ज चलता है कि नहीं। इसके लिए आकाश चार्जिंग लाए हो, चार्जर ये बार लगा के देखो ना, चेक हो रहा है कि नहीं। सारी रिव्यू आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं। और इधर कुछ गुजरात भरूच का नज़ारा लेते हुए, ठीक है। अभी भाई साहब नमकीन वमकीन सब लेके आए हैं, गुजराती है ना, गुजराती अक्सर चार्ज हो रहा है कि नहीं। लाइव टेस्ट दिखाता हूँ, क्या भाई हो रहा है किधर। चलो भाई सक्सेस, अपनी मोबाइल अभी डिस्चार्ज होने वाली है, इसको चार्ज लगाते हैं, थोड़ा सा शहर का एंजॉय करते हैं। बस ऐसा कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही चार्जिंग पॉइंट है। ओ भाई साहब एकदम पीछे लगे ढके लगे हम लोगों को। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से, ऐसे सारे लोग सो रहे हैं अपने अपने कंपार्टमेंट में, सीट वाली नहीं है। वेलकम है जी अंकलेश सर। अरे भाई साहब बगल वाले, ये देखो कितना आ रहा है इस तरीके से, इधर पूरा बस का ऊपर नीचे सब लोग मरे पड़े हुए हैं। तो अभी भाई पूछने गया, एक्चुअली लगी थी टॉयलेट बहुत तेज, तो पूछने गया है कि मतलब रोकोगे रास्ते में, किधर कहीं टॉयलेट की व्यवस्था है, और खाने का भी कुछ रुका वुका नहीं है। और टाइम कितने हो रहा है, टाइम हो रहा है 8:44
और अभी कहीं रुका नहीं है और लेट भी है, 1 से 1.5 घंटे बस लेट चल रही है। पहले रिव्यू और ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, जितना पैसा लगा है मुझे नहीं लगा कुछ इतना कुछ वर्थ है इसमें यार। भाई रात के बज गए हैं 10:30 और अभी हम रुके हैं श्री शिव शक्ति होटल के सामने, ये पड़ेगा कुछ सूरत में। सूरत से साथ बाहर आ गए हैं कि क्या है, सबसे पहले टॉयलेट कर रहे हैं यार, बहुत तेज लगी थी, बस वाले रोक नहीं रहे थे। और ये कुछ अपनी बस है, एक तो साला पीछे की सीट मिली है, इतना झोल मार रहा ना कि सोने में बैठने में हालत ख़राब हो जा रही है। एक आपको सजेशन है, कभी आप बस बुक करिए तो पीछे वाली सीट कभी मत लीजिए, नहीं तो साला आपकी कमर ही तोड़ देगा। ठीक है चलते हैं कुछ खाना वाना देखते हैं। अभी तो फिलहाल आज का सबसे बेस्ट पार्ट है था शकल कैसे हो गई, थोड़ी सी नींद क्या लग गई थी, नींद नहीं लगी थी, बस गाना सुने थे, गाना सुन रहे थे और ट्रैवल का एंजॉय कर रहे थे, बट शरीर की तो ऐसी तैसी हो गई है। तो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा सा मन तो नहीं है बस थोड़ा सा कुछ खा लें। फिलहाल हमने एक वेज बिरयानी ऑर्डर की है और एक कोई थाली करके दी, खाने का ज़्यादा इच्छा नहीं है बट ठीक है जो हो गया सो हो गया। सामने बस खड़ी है, 20 मिनट के लिए ब्रेक है, खाने के लिए 20 मिनट, आधे घंटे तो जाएगा ही जाएगी और डिस्टेंस आई थिंक रात को कवर करेगा। कौन मजा आया बिरयानी और थाली खा के, बस बिरयानी में वेज की जगह चिकन होता तो मजा आ जाता, चिकन बिरयानी क्यों। सूरत में हम लोग है ना, तो सूरत की थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ। सूरत थोड़ा सा फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ कपड़े का और हीरे का कारोबार कुछ ज्यादा होता है, इसलिए सूरत फेमस है। और यह सूरत शहर जो है वापी नदी के किनारे बसा हुआ है, और वडोदरा जैसे विश्वामित्री नदी है उस तरह से यहाँ सूरत में वापी नदी है। इस चीज़ में अपने एक ब्लॉग में बता चुका था, बस थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए सोचा कि बता दूं। 6.5 hours later वेलकम है जी। 16:30 छोड़िए और चले जाइए, ड्रॉप एंड गो। नहीं तो चलो भैया फाइनली यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश हाँ किधर है, कहाँ पे है?